मुझे तिल्ले वाले पैच भी आप बता दो, ये आ जाएंगे तिल्ले वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज ज़ेब। लास्ट टाइम जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने ये वाला वेलवेट अपने लिए लाया था, और आज मैं बनाने वाली हूँ कश्मीरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। और कश्मीरी फिरन का आज का इतना ट्रेंड है, इवन कश्मीर में नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड में भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और आप इसको वेस्टर्न की तरह भी इसको वेयर कर सकते हो, या ट्रेडिशनल ड्रेस की तरह भी आप इसको वेयर कर सकते हो। और मैं इसको किस तरह से बनाने वाली हूँ, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का वेलवेट है या मार्केट से कोई भी कलर आप वेलवेट का ले आएँ, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के साथ कंट्रास्ट में चाहिए मुझे, आई थिंक सिल्वर वाला भी ठीक जाएगा इसके साथ, ठीक है ना? हाँ, तो सिल्वर वाला ब्रोकर बता दो मुझे। इसमें लाइनिंग की नीड है? सिल्वर में एक ये वाली शेड है, और कौन सी वाली शेड है सिल्वर में? जो वो वाली है, वो भी यही है, सेम ही है। सिल्वर में ब्रोकेट इनके पास बहुत सारे डिजाइन्स थे, तो मुझे वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी। और इन्होंने तो कहा था लाइनिंग नहीं लगेगी, बट ये है कि ब्रोकेट में आपको लाइनिंग लगानी ही पड़ती है, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो। तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, और साथ में मैंने सोचा क्यों ना कंट्रास्ट करके भी कोई और शेड भी मैं देख लेती हूं। बहुत प्यारे कलर्स थे, और इनका प्राइस जो था 150 पर मीटर था। ये वाली शेड भी थी, इसका कंट्रास्ट करके मैं देख रही थी, बट मुझे लगता है सिल्वर वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी जा रही थी इसके साथ। और ये वाला भी प्यारा था, इसमें सिल्वर एंड गोल्डन का टच था, बट मुझे लग रहा है इसके साथ जो है वो सिल्वर वाली ज़्यादा अच्छी जाएगी। और आजकल विंटर्स में इन नीटिंग वाली शर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और काफ़ी अच्छा लगता है ये वाली शर्ट्स अगर पहनेंगे। और जो मैंने आज खुद वेयर की है, वो भी मैंने नीटिंग में ही शर्ट वेयर की है, और ये काफ़ी गर्म होती है, इसमें इतने स्वेटर्स वगैरह की आपको नीड नहीं होती। और ये 500 की शर्ट थी ये इनके पास, और वेलवेट में भी अगर आपको वर्क वाली वेलवेट चाहिए तो वो भी इसमें भी काफ़ी डिज़ाइन इनके पास। और लास्ट वीडियो में मैं लास्ट में इसमें आपको इनका एड्रेस मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगी। और ये है प्लेन में, अगर प्लेन वेलवेट चाहिए 9000 वाली, तो ये वाली शेड्स हैं। और ये भी जॉर्जेट में फैब्रिक था, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, इसको भी आप डिज़ाइनिंग के लिए अगर कुछ यूज़ करना चाहें तो आप इसको डिज़ाइनिंग के लिए आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉक गाउन वगैरह कुछ बनाना हो तो अच्छा लगता है। और ये वाली है वेलवेट की शर्ट्स वगैरह, जो इनके पास वर्क वाले मिल जाएगा, इसको भी आप कुछ भी अच्छा सा डिज़ाइनिंग के लिए बनाना हो तो। काफ़ी अच्छा फैब्रिक था, 9000 वाला फैब्रिक था ये। और इसमें इनके पास बहुत प्यारे प्यारे आपको और भी वर्क वाली शर्टें जो है इनके पास मिल जाती है, और इनका प्राइस जो है ना, ये कट पीस वगैरह सेल करते हैं, तो इनके पास प्राइस आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। ये वाली किस ले रहे हो? 500। हाँ, इसको बोलते हैं 9000 वाली वेलवेट है ना ये? ये किस रंग पड़ेगा फुल सूट? ये 200 मीटर होता है। अच्छा, हजार में 100 ग्राम ज़्यादा है। ओके, ये होती है ना ठीक है, माइक्रो वेलवेट 9000 वाली, ठीक है। इसमें कलर्स आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। और जो मैंने खुद आज वेयर किया ना, ये मैंने नीटिंग वाली शर्ट खुद भी वेयर की है, तो विंटर्स में आपको नीटिंग में ट्वीट में इस तरह के बहुत सारे फैब्रिक्स मिलते हैं, और मुझे आप ज़्यादातर विंटर्स में इसी तरह के फैब्रिक्स में आप मुझे देखोगे, क्योंकि मुझे अपना आप काफ़ी कंफर्टेबल रहता है इस वाले ड्रेसेस में। आप इसको नॉर्मल लूज कुर्ता बना लो, या आप इसको फिरन टाइप में बना लो, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाले विंटर्स में आपको वेलवेट वर्क वाले वेलवेट जो है वो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे, और आगे आगे आपको और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसमें मिलेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छे ड्रेसेस आप बना सकते हो इन इस तरह के वेलवेट्स के साथ। और ये ब्रोकेट की शेड्स आएंगी ये वाली, जो मैं आपको प्रॉपर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इसमें शेड्स हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि शॉप पे आपको क्या क्या मिल सकता है। और अगर शिफॉन में जॉर्जेट में इस तरह के फैंसी फैब्रिक चाहिए तो वो भी आपको इनके शॉप पर मिल जाएगा। और इनका प्राइस जो है ना, प्राइस इनका बिल्कुल बेस्ट और अच्छा वाला प्राइस मिलेगा, क्योंकि इनके पास ना कट पीस में होल सेल प्राइस में ये अपना फैब्रिक सेल करते हैं। और ये भी कुछ अलग सा कुछ फैब्रिक था वेलवेट में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रैबिट प्रिंट फैब्रिक टाइप का था। और ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर।
जी इनका नंबर है 8899924294। ठीक है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। और इनकी शॉप के बिल्कुल साथ ही पुरानी मंडी मार्केट है, अपोजिट आपको परेड मार्केट आ जाएगा। परेड मार्केट से अगर आप मेटाडोर पकड़ते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको सीधा इनके शॉप पे आ जाओगे। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक लेस वाली शॉप पे भी, अगर कोई गांधीनगर रहता है तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट शॉप होने वाली है, क्योंकि उनके बिल्कुल नियर इनकी वाली शॉप है जो नई दिल्ली है रेस्टोरेंट, उनके बिल्कुल पास है इनकी शॉप। और वैसे भी मैं इनका लोकेशन और मोबाइल नंबर भी मैं आपको बता दूंगी, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर एड्रेस आप इनसे पूछ सकते हैं। और इनकी शॉप पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको वैरायटीज बताऊंगी, तिल्ले के पैचेस इनके पास आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और इस तरह के अगर आपको कॉर्ड सेट के लिए या किसी ड्रेसेस के लिए इस तरह के पैचेस चाहिए तो काफ़ी अच्छा। और ये बिल्कुल हैंडवर्क वाले पैचेस हैं जो आपको अगर हाथ का काम नहीं करवाना, लेकिन अगर आप अपने ड्रेसेस पे ये वाले पैच लगाएंगे ना तो वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको लगेगा जैसे हाथ का काम किया हुआ है। इनका दबके का पैच है ना, अगर किसी ने हैंडवर्क नहीं करवाना है तो वो इस तरह के पैच भी लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है सूट पे। तो ये इसी तरह लगेगा जैसे आपने हैंडवर्क करवाया हुआ है। लेस क्या रही मैच, ओके। अगर ज़्यादा हैवी बनाने हैं आपने स्लीव्स को तो ये वाले लगा सकते हैं आप, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं लगे हुए। तो क्या मीटर है इसका प्राइस? इसका मीटर एक जो ऑलरेडी है तो ये आ जाएगी, इसमें अलग डिज़ाइन, ठीक है। और वैसे मिनिमम किस रेंज से स्टार्ट होते हैं? 550 से स्टार्ट होते हैं, 500-450 भी होता है, लेकिन उसमें बहुत कम होगा। ठीक है, ये भी इसका क्या प्राइस है? ओके, ठीक है। इसका भी गला काफ़ी प्यारा है। वेलवेट के सूट्स पे अगर आप इस तरह से पैच लगाते हो ना तो पार्टी वेयर सूट आपका काफ़ी अच्छा रेडी हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली मेरा मुझे तिल्ले वाले पैच भी आप बता दो, ये आ जाएंगे तिल्ले वाले पैच, ये बॉर्डर आ जाएंगे तिल्ले के। और इस तरह की वैरायटी चाहिए तो बहुत सारी है इनके पास, और ये आ जाएंगे तिल्ले के पैच। कलर के साथ आएंगे, इसे रेड बेस के साथ। ओके, और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं कि ऐसी वाली शॉप्स बताएं जो शिपिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं करे, तो ये वाली शॉप है जहाँ से आप इनसे कोई भी लेस अगर आपको कोई पसंद आ रही है तो आप इनसे मंगवा सकते हो, शिपिंग ये ऑल ओवर इंडिया आपको कर देंगे जहाँ पे भी आप रहते हो, ये आपको कोरियर करवा देंगे। और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो वहाँ पर भी, और इनके मोबाइल नंबर पर भी, और इंस्टाग्राम पर भी ये डेली अपडेट्स देते हैं। जब भी इनके पास कोई न्यू लेसेस आती हैं तो वहाँ पर भी अपडेट देते हैं। अगर आप इनसे कुछ मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं, तो आप बेझिझक इनसे आप इनसे मंगवा सकते हैं। इनके पास आपको तिल्ले में और इस तरह के पैचेस जो हैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको इनके पास मिल जाएंगे। और तिल्ले में अगर आपको लेस वगैरह चाहिए या पैच चाहिए वो भी मिल जाएंगे। और मैंने अपने लिए कौन सा वाला लिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इस तरह के पैचेस सिल्वर में और या सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, अगर मल्टी कलर में चाहिए तो वो भी आपको इनके पास मिल जाएंगे। प्राइस इनका बहुत ही अच्छा वाला प्राइस आपको, अच्छा रेंज ये आपको दे देंगे। और इस तरह के ड्रेसेस पे अगर आप किसी कॉर्ड सेट वगैरह पे लगाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाला अगर कोई प्लेन वेलवेट ले लोगे ना अगर आप, तो उसको काफ्तान बनाओगे और नेक के पास अगर इस तरह का कोई पैच लगाओगे तो काफ़ी अच्छा वाला ड्रेस लगता है। और आप अपना नॉर्मल ड्रेस को भी ना इस तरह के पैचेस लगा के ना काफ़ी अच्छा ब्रांडेड लुक आप बना सकते हो। तो मुझे ये वाले पैचेस बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो मैं इसके साथ भी कोई ड्रेस पक्का एक रिक्रिएट ज़रूर करूँगी, बहुत अच्छे से कस्टमाइज करूँगी, वो आपसे शेयर करूँगी। तो और साथ में मेरा मेन आज इस शॉप पे आने का मकसद यही था कि मुझे अपने लिए तिल्ले का पैच चाहिए था, और साथ में ये चाहते थे कि मैं इनके शॉप की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि इनके पास क्या क्या वैरायटीज़ है। और गांधीनगर में इनकी शॉप है, और मोबाइल नंबर मैं इनका दे दूँगी आपको, आप कॉन्टेक्ट करके इनसे आप इनका पूरा एड्रेस आप इनसे पूछ सकते हैं। और इनके पास आपको यही नहीं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आपको इनके पास बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आपको वाइट कलर में लेस चाहिए, ब्लैक कलर में चाहिए, बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और ये वाला पैच था जो मैंने अपने ड्रेस के साथ लिया था, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इन वाली पैचेस का,
तो अभी पूरा ड्रेस कैसा रेडी होता है मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब मेन आता है दुपट्टा। दुपट्टा भी मुझे चाहिए था, अब मेरा ब्रोकेट का मैंने बॉटम भी ले लिया और लेस भी ले ली, अब मेन था मेरा दुपट्टा लेना। दुपट्टा जो था मुझे सिल्वर कलर में चाहिए था, तो इनके पास सिल्वर नहीं था, बट इनके पास इन्होंने बोला आपको वाइट कलर में मिलेगा जिसको आप डाई करवा सकते हो। तो दुपट्टे इन्होंने बहुत सारे मुझे बताए, एक तो ये वाला दुपट्टा था जिसपे साइड्स पे सिल्वर कलर का हुआ था, बट इसमें यह है कि जो सिप्पी लगी थी ना इस तरह से, ये इस टाइप का था। बट मेरा ड्रेस जो था मैंने वो तिल्ले में बनाया था, अगर मुझे तिल्ला टाइप का मिलता तो ठीक था, बट मुझे दुपट्टा जो था ना मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, मुझे ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था क्योंकि हैवी दुपट्टे बनाने से क्या था कि मेरा सूट जो था वो थोड़ा सा हैवी पार्टी वेयर टाइप का लुक का बन जाता, और मुझे अपना ड्रेस जो था वो बार बार वेयर करना था, मतलब मुझे डेली यूज़ के लिए मैंने वो बनाया था, उसको पार्टी वेयर की तरह नहीं बनाया था। लेकिन एक दुपट्टा बनाने से भी, दुपट्टा हैवी लेने से भी आपका पूरा लुक जो है वो आपका चेंज हो जाता है, तो इसलिए दुपट्टा मुझे लाइट में ही चाहिए था। लेकिन दुपट्टे की वैरायटीज़ इनके पास बहुत सारी थी, बहुत अच्छी वाली थी, और ये वाला दुपट्टा भी था। दुपट्टे तो मुझे पसंद आ रहे थे, बट मुझे अपना ड्रेस ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था। हाँ, अगर मुझे अपना ड्रेस किसी पार्टी वेयर के लिए बनाना होता या किसी फंक्शन के लिए बनाना होता तो मैंने सोचा पहले मैं स्टिच करने के लिए दे देती हूँ दुपट्टा, मैं फिर बाद में इसके पैचेस है ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ लगेंगे। ठीक है, ये नेक पे आ जाएगा, तो दामन पे लगाना और स्लीव्स पे लगाना। ठीक है, और ये है मेरे नेक्स्ट डे की क्लिप। मैं दूसरी वाली शॉप पे गई थी दुपट्टा देखने के लिए अपने लिए, तो इसके साथ मुझे, मैं कोशिश यही करी थी सबसे पहले कि मुझे सिल्वर कलर का ही दुपट्टा मिल जाए, लेकिन मुझे सिल्वर कलर का दुपट्टा कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा मैं टिश्यू में शायद मुझे मत मिल जाए, बट नहीं मिला। बट ये है कि परगाल वालों के पास इस तरह के अगर दुपट्टे अगर आपको चाहिए हैवी वाले तो बहुत ही प्यारे प्यारे अगर आपको लेने हैं तो इनके पास बहुत प्यारे दुपट्टे आपको इनके पास मिल जाएंगे। तो मुझे अपना सूट जो था ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था, तो मैंने लास्ट में क्या किया, फिर मैंने प्लेन ऑर्गेंजा का फैब्रिक ले करी, मैंने उसको डाई करवा लिया था, फिर मैंने प्लेन ऑर्गेंजा ही लिया और उसको डाई करवा दिया। A few moments later. जी, तो ये रहा मेरे ड्रेस का फाइनल लुक आप सबके सामने, और आज की वीडियो थी कश्मीरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, और मैंने इसको प्रॉपर कश्मीरी आउटफिट की तरह बनाया है, और मैंने इसको फिरन बनाया था, जो फिरन होता है ना उसमें दोनों साइड से कलियां आती है, तो मैं आपको इसकी प्रॉपर स्टिचिंग भी बता दूंगी और कटिंग किस तरह से होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए कि जो प्रॉपर फिरन होता है वो किस तरह से स्टिच किया जाता है। और ये मैंने पैच लगाए थे, और फिरन के जो स्लीव्स होते हैं ना वो लूज होते हैं, और बाजू पे और नेक पे, दामन पे और बॉटम पे मैंने ये पैच लगा दिया था, और जो प्लाजो था ये मैंने टाइटेड प्लाजो रखा था, ब्रोकेट का मैंने प्लाजो लिया था, और अंदर से इसको मैंने लाइनिंग लगाई थी। और मैं आपको ये फुल सूट करीब से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से था, कि मैंने वेलवेट लिया था, और जिस तरह जितना मीटर हम शर्ट का फैब्रिक लेते हैं ना उससे थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक हमें चाहिए होता है फिरन के लिए, मैंने ये फैब्रिक लिया था, ढाई मीटर मैंने फैब्रिक लिया था क्योंकि इसका घेरा जो था ना भर सूट इसका ज़्यादा था, इसलिए मैंने ढाई मीटर लिया था। अगर आप जो फैब्रिक ले रहे उसका भर छोटा है तो इसलिए आप वो 3 मीटर लेना, तो इसका 55 था तो इसलिए मैंने ढाई मीटर फैब्रिक लिया था। मैं आपको बताती हूँ इसकी, देखो करीब से इसकी किस तरह से स्लीव्स किस तरह से होती है, कटिंग किस तरह से होती है। अगर आप इस तरह से स्क्रीनशॉट उठा लो और अपने मास्टर को आप बताओगे वो प्रॉपर आपका फिरन जो है वो इस तरह से स्टिच करके आपको दे देंगे। इसकी कटिंग जो है वो इस तरह से आती है इसकी, और इसको दोनों साइड से जो है कलियाँ आती है इस फिरन को। एक होता है कुर्ता टाइप फिरन, अगर आप कुर्ता टाइप फिरन बना रहे हो तो उसमें कलियाँ नहीं आएंगी, अगर आप प्रॉपर फिरन बना रहे हो तो इसमें दोनों साइड से कलियाँ आती है और पॉकेट आएगा। और नीचे घेरे पे मैंने इसको यहाँ पे ये लेस लगा दी थी, घेरे पे मैंने ये पैच वाला लेस लगाया था। अगर आप वर्क करवाना चाहते हो आप वर्क भी करवा सकते हो, बट आजकल मार्केट में बहुत ही प्यारे प्यारे ना पैचेस भी आ रहे हैं तिल्ले के इस तरह से, और बहुत ही प्यारे अब आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, आपको वर्क करवाने की भी नीड नहीं है, और काफ़ी मतलब इस तरह से देख के लगता है कि वर्क ही हुआ है। और इस तरह से ये बॉटम आ गया था, और बॉटम पे भी मैंने ये पैच लगाया था, और मैंने अंदर से इसको लाइनिंग लगाई थी, उन्होंने तो कहा था इस फैब्रिक को लाइनिंग नहीं लगेगी बट मैंने लगाई थी। आई होप आपको मेरा ड्रेस पसंद आया होगा, और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।